यमुनानगर में लोग हरियाणा शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। बकरवाला गांव के लोग प्राइमरी स्कूल में एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अध्यापकों को नियुक्त करे। हरियाणा शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी अब सवालों के घेरे में आ गई है। अध्यापकों को इस ट्रांसफर पॉलिसी से जितनी निजात मिली है उससे कहीं ज्यादा पीड़ा अभिभावकों को हो रही है। यमुनानगर में सैकड़ों अध्यापकों का ट्रांसफर किया गया, उनकी जगह नाम मात्र ही अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। जगाधरी विधानसभा के बकरवाला गांव में 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल है। ट्रांसफर से पहले इस स्कूल में 6 अध्यापक थे, लेकिन ट्रांसफर के बाद स्कूल में महज 1 अध्यापक रह गया। अभिभावक तो परेशान ही है, अब बच्चे भी शिक्षा विभाग की इस पॉलिसी के सामने लाचार हो गए। अभिभावक बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज तो रहे हैं, लेकिन एक अध्यापक बच्चों को कितनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मजबूरन क्लास में एक बच्चे को खुद खड़ा होकर बाकी क्लासमेट को पढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी मैम तो बदली गई है ना, इसलिए जी। अच्छा, तो उसकी जगह बदली गई कि मैडम के पास जगह कोई नहीं आया दूसरा? अगर जी ने गए थे मैम जी 2 महीने के बाद आ जाएंगे जी। अच्छा, नहीं सर जी, अभी कोई नहीं आपके पास? नहीं सर। तो कैसे पढ़ते हो आप लोग? पढ़ते हैं जी, बुक खोल के कोई सा पाठ पढ़ लेते हो। अच्छा, कितने टीचर हैं अभी आपके पास? अभी टीचर एक ही है। एक ही है, तो आप कैसे पढ़ते हो? जैसे अभी आप पढ़ा रहे बच्चे को? हाँ जी। तो पहले घर से पढ़ के आए हो आप? हाँ जी। अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई, स्कूल में स्टाफ नहीं रहा। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी क्योंकि स्कूल में अध्यापक पूरे थे। ग्रामीणों का कहना है कि अमीर आदमी तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा। पढ़ाई तो सारी खत्म है जी मारे और बच्चों की, तो बिल्कुल भी नहीं। जब स्टाफ ही नहीं होने का तो मारे पढ़ाई कहाँ से होगी बच्चों की? ये भी एक मास्टर है बेचारा, ये पता बच्चे इधर देने कोई गली कर रहा, हमारे पास 2-2 बच्चे थम दे, 150 बच्चे थाम नहीं, जो थाम लिया कहीं। अरे के बाद में जितने भी अफसर हैं या शिक्षा मंत्री है या अफसर हैं, मास्टर हैं, कोई भी है, डॉक्टर हैं, इनके सारे के बच्चे अंग्रेजी स्कूल ना मजा रहे। 2-2-3 साल के बच्चे उन्होंने दाखिल कर लें अपने, हम तो घर तो कारा में भेज रहे। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में, हमारे बच्चे 6 साल के ऑर्डर करके 6 साल के बच्चों में बिटर जाओ। बहरहाल यमुनानगर में शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी से कई गांव के अभिभावक लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, तो कुछ ग्रामीण स्कूल पर ताला जड़ने की बात भी कह चुके हैं। अभिभावकों की भी मजबूरी है कि वो अब करें तो क्या करें, लेकिन सरकार ने आचार संहिता के दौरान जो फैसला लिया, इस दौरान स्कूलों में नियुक्ति होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब देखना होगा अभिभावकों की परेशानी कब तक दूर होती है। यमुनानगर से टोटल न्यूज के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।